हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज फ्राइडे शेड्यूलिंग। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा था एसजेएफ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों कंडीशन हम कर चुके हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी आपका प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दोनों चलेगा। प्रिमिटिव की कंडीशन, नॉन प्रिमिटिव अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव की कंडीशन ये होती है कि अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेज में है तो वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही बाहर आएगा नॉन प्रिमिटिव में। बट प्रिमिटिव में आपका वो अकॉर्डिंग चलेगा, आपका बस टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में है आपके पास प्रोसेस है, अराइवल टाइम है, बस टाइम है, बट इसमें एक कंडीशन और आपको दे रही है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी आपको यहाँ पर गिवन है। प्रायोरिटी को कैसे आप समझेंगे? देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, बट आप कैसे बताएंगे कि किसकी प्रायोरिटी हाई है कौन कम है? आपका 1 भी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो वो क्वेश्चन में आपको देगा कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा है हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, जो नंबर हायर होगा वही इसी की प्रायोरिटी हाई होगी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी यहाँ पर 4 को हम लोग काउंट करेंगे, यानी 4 की P4 की प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट है, ये आपको लेके चलना है। अगर यहाँ लोअर करता है तो ये जो आपका 1 वाला है P1 है उसकी प्रायोरिटी हाई होती। करना वैसे ही है आपने इसको भी। सबसे पहले आप इसका गैंग चार्ट क्रिएट करेंगे। गैंग चार्ट आपका बनेगा, ये हम रेडी क्यू बना देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जो गैंग चार्ट है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे अगर आप देखें तो अराइवल टाइम 0 पे केवल एक ही प्रोसेस है, वो रेडी क्यू में आया प्रोसेस आपका P1 है। बट P1 की प्रायोरिटी जो है वो सबसे लोएस्ट है। बट आप क्या करेंगे, क्योंकि ये 0 पे तो यही प्रोसेस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसे एग्जीक्यूट कराना ही कराना है। और ये नॉन प्रिमिटिव आप करें तो अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेज में है तो वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा प्रायोरिटी की। तो P1 अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन देगा, इसको कंप्लीट होना है 5, तो ये 5 के 5 एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ये 5 एग्जीक्यूट हुआ उस कंडीशन में अगर आप देखें तो अराइवल टाइम मैक्सिमम 4 है, तो उस कंडीशन में आपके पास P2 भी आ चुका है सिस्टम में, P3 भी एंड P4 भी। तो सिस्टम में आपके पास P2 भी आ चुका है, P3 भी एंड P4 भी आपके सिस्टम में रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब आपको देखनी है प्रायोरिटी। तो 5 तक तो आप, क्योंकि P1 वाले में तो कोई चांस ही नहीं थे आपको प्रायोरिटी देखने के, यही सबसे आ रहा है तो इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट। बट अब आप प्रायोरिटी यहां पर देख सकते हैं कि P2 P3 P4 तीनों प्रोसेस आ गए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपके पास 5 हो चुका है और अराइवल टाइम 4 मैक्सिमम आपके पास है यहां पर। बट यहां पर आपका 5 हो चुका है तो कोई भी प्रोसेस अब एग्जीक्यूट हो सकता है। तो P2 P3 P4 में अब आप देखेंगे प्रायोरिटी किसकी आई है। तो P2 P4 P3 P4 में हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी P4 की है, तो P4 रेडी से डायरेक्ट आपका कहाँ आएगा, रनिंग स्टेज में आएगा और यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा P4। और P4 को कितना एग्जीक्यूट होना है, 1, केवल 1 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। नाउ नेक्स्ट P4 तो यहां से कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए, अब आपके पास दो ही प्रोसेस है P2 एंड P3, P2 एंड P3, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो 3, यानी P3 की प्रायोरिटी हाई है, इसको 2 सेकंड एग्जीक्यूट होना है, तो 6 + 2 ये कितना हो जाएगा आपका 8। और लास्ट आपका बचता है आप P2 एग्जीक्यूट होगा, P2 को 8 + 4 ये कितना हो जाएगा आपका 12। तो इस टाइप से आपकी ये प्रायोरिटी भी चलेगी और आपका प्रोसेस का अराइवल टाइम भी आप चेक करेंगे और बस टाइम को आप यहां पर एग्जीक्यूट कर देंगे। बस सेम अब आपको क्या निकालना है यहां पर, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, ये सारी कंडीशन आपको निकालनी है। तो कंप्लीशन टाइम वो टाइम है जब कोई प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है एग्जीक्यूशन रनिंग स्टेज में। तो P1 कंप्लीट कब हुआ है 5 पे, तो ये 5 हो जाएगा आपका कंप्लीशन टाइम। P2 कंप्लीट हो रहा है आपका 12 पे, 12 हो जाएगा। P3 कंप्लीट हो रहा है 8 पे, 8 हो जाएगा आपका। P4 कंप्लीट हो रहा है 6 पे, ये 6 हो जाएगा। अब टर्न अराउंड टाइम की अगर आप बात करें तो टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम देखिए P1 का ये है, अराइवल टाइम 0 है, तो 5 - 0 ये कितना हो जाएगा आपका 5 - 0 5। नेक्स्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 12 - 1 ये कितना हो जाएगा आपका 11। 8 - 2 ये कितना हो जाएगा आपका 6। 6 - 4 ये आपका हो जाएगा 2। तो ये आपके टर्न अराउंड टाइम यहां पर फाइंड आउट हो जाएगा। इसे प्रॉपर आप लिखेगा, अगर पेपर में आप बनाते हैं तो हर एक वैल्यू का निकालेगा। जैसे आप लिखेंगे P1 टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू, इसको प्रोसेस लिखेगा पूरा समझा के लिखेगा आप, ऐसी P2 का टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम। जैसे P1 का कंप्लीशन टाइम है आपका 5 माइनस अराइवल टाइम है 0, तो ये 5। तो इस टाइप से आपका ये पूरा प्रॉपर वे में आपने राइट अप करना है। यहां पर मैं टेबल में आपको समझा रहा हूं, बट आपको ये प्रॉपर वे में लिखना है एग्जाम में।
नेक्स्ट वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम की अगर आप बात करेंगे तो वेटिंग टाइम होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 5 माइनस 5, इसको भी ऐसे लिखेंगे आप, वेटिंग टाइम ऑफ P1 इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम, यहां पर लिखेगा टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 माइनस बस टाइम ऑफ P1। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 कितना है, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 है आपका 5 माइनस बस टाइम ऑफ P1 है 5, 5 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा 0। तो मैं डायरेक्ट टेबल में इसको बना रहा हूं, बट आपको पेपर में इस टाइप से लिखना है इसको कंप्लीट। नेक्स्ट 11, नेक्स्ट सॉरी वेटिंग टाइम ऑफ P2 11 माइनस 4 ये आपका हो जाएगा 7, 6 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 4 एंड 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1। एंड रिस्पॉन्स टाइम आपको पता है, रिस्पॉन्स टाइम आपका होता है रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेटेड, फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेटेड माइनस अराइवल टाइम। तो देखिए P1 को फर्स्ट टाइम कब एलोकेट हुआ है, 0 पे, और इसका अराइवल टाइम कितना है 0, 0 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा 0। P2 को 8 पे हुआ था और इसका अराइवल टाइम कितना है 1 है, तो 8 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट P3 को एलोकेट हुआ है फर्स्ट टाइम 6 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा आपका 4, एंड लास्ट वन है आपका P4 को फर्स्ट टाइम आपको 5 पे एलोकेट हुआ है और आया कब था 4 पे, तो 5 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 1। और मैंने ये पहले भी आपको बताया है नॉन प्रिमिटिव में आपका रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम हमेशा सेम आता है, सेम आता है इसका मतलब आपका आंसर जो है वो राइट है। सेम ऐसी आपको एवरेज निकालना है, अगर आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम एवरेज वेटिंग टाइम इसमें निकालेंगे तो वो भी आप इजीली यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 5 + 11 + 6 + 2/4, तो जो आंसर आएगा वो आप यहां पर राइट अप कर सकते हैं। ऐसे ही आपका एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वेटिंग टाइम को आप ऐड करेंगे 0 + 7 + 4 + 1/4 कितना हो जाएगा 4, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद नॉन प्रिमिटिव एंड प्रायोरिटी के थ्रू। तो ये आपका है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नॉन प्रिमिटिव। थैंक यू फ्रेंड।